press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi दोस्तों, हाँ समझ रहा हूँ भैया, मैं एकदम समझ रहा हूँ। आप जो बोलना चाहते हैं वो मैं एकदम अच्छे से समझ रहा हूँ। मैं इस तरह के वीडियो नहीं बना पा रहा, इसमें मेरी गलती है यार। देखो, मैं किसी और को कुछ नहीं बोल सकता, मेरी गलती है। तबीयत ठीक नहीं रहती, परिवार वाले बनाने दे नहीं रहे, तो बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ कर सकूँ। और वैसे भी देखो, मुझे पता है आपको ऐसे ही वीडियो देखने अच्छे लगते हैं जहाँ पर मैं कुछ सिखा सकूँ आपको, लेकिन दुनिया में जो जो चीज़ें अच्छी लगती हैं कहाँ मिलती हैं यार। मेरे को भी ऐश्वर्या राय बहुत अच्छी लगती थी, अभिषेक ले गया है ना, बहुत सारे लोगों को लगती थी, लेकिन अभिषेक ले गया ना, तो उसके बाद से ऐसे ही बैठे हैं। तो होता है ऐसा, इसमें बुरा मानने वाली बातें नहीं है ना, एडजस्ट करना पड़ता है ज़िंदगी में। चल हंसी मजाक साइड करते हैं, आज ज़रा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं। देखो, अभी से 3 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां मैंने बताया था कि एक सेक्टर है जहां पे बहुत बड़ा बूम आने वाला है, तो अगर आप उस सेक्टर्स के स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत प्रॉफिट होगी। और मैंने उसके कारण भी बताए थे, और वो सेक्टर था पावर सेक्टर। और उस समय आप जो भी स्टॉक देखो वो आज से 3 गुना दाम नीचे पे ट्रेड कर रहा था, 3 गुना नीचे ट्रेड कर रहा था या उससे ज़्यादा ही नीचे ट्रेड कर रहा हो, क्योंकि पावर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा डिमांड में है लेकिन उसकी सप्लाई नहीं होती। एक ऐसा सेक्टर, एकलौता ऐसा सेक्टर है। बाकी सारे में क्या है, सप्लाई है, डिमांड है। पावर सेक्टर में इतनी ज़्यादा डिमांड है, गांव में 10 घंटे बिजली आ रही है, 12 घंटे बिजली आ रही है, 12 घंटे बिजली नहीं आ रही, क्योंकि उसका तो डिमांड बहुत है, हमको और चाहिए। तो ऐसा कोई स्टॉक हो जिसका डिमांड बहुत है तो उसकी तो प्राइस में आग लग जाए। तो मैंने आपको रीजंस वहाँ बताए थे कि किस वजह से अब तक वहाँ पे उतने ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल रही थी, अब क्यों मिलेगी ग्रोथ। तो हम सब ने देखा कि ज़बरदस्त ग्रोथ हमको देखने को मिली पावर सेक्टर में। आज एक और बेहतरीन सेक्टर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये सेक्टर भी उसी से मिलता जुलता है, ईवी। ना, ईवी की बात नहीं कर रहा हूं, आप सब सोच रहे होगे मैं ईवी बोल दिया तो ईवी की बात कर रहा हूं, नहीं ईवी की बात नहीं कर रहा हूं। ईवी तो बहुत पहले से आ गया यार, उसकी गाड़ियां वाड़ियां आ गई, सब कुछ आ गया। मैं जिस सेक्टर की बात कर रहा हूं उसको बताने से पहले, अब क्योंकि ईवी बोल दिया ना तो जरा उसके बारे में भी बात कर लूं। आजकल सारी गाड़ियां जो हैं इलेक्ट्रिक कार्स मार्केट में आनी शुरू हो चुकी हैं, है ना, सारे मॉडल्स धीरे धीरे बाइक्स मॉडल आने शुरू हो चुके हैं, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली ऐसा हो रहा है। तो मर्सिडीज वालों को जब कांटेक्ट किया गया और उनसे पूछा गया कि भैया आपका इलेक्ट्रिक मॉडल कब आ रहा है, ईवी मॉडल कब आ रहा है आपका, तो आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा, उनका मॉडल कब आ रहा है, उन्होंने कहा भैया हमारा मॉडल कभी नहीं आएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, उन्होंने कहा हमारा मॉडल कभी नहीं आएगा, हम ईवी बेस्ड कार्स नहीं बनाएंगे। अब ये सुन के सब लोग मतलब एकदम भौचक्के रह गए, तो भाई क्या पूरा दुनिया मतलब चेंज हो रही है और आप अभी भी वैसे ही लेके बैठे हो। तो उन्होंने एक बात कही, नहीं हम ईवी बेस्ड नहीं बनाएंगे, हम ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर चलने वाली कार बनाएंगे। तो हमारा सेक्टर मालूम पड़ गया किस पे बेस्ड है आज, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। तो एक नया सेक्टर आया है ग्रीन हाइड्रोजन, जो कि अभी जोर पकड़ रहा है, इंडिया में भी ग्लोबली भी जोर पकड़ रहा है। तो ग्रीन हाइड्रोजन के जो स्टॉक्स होंगे वो आपको आने वाले टाइम में मालामाल कर सकते हैं। सिर्फ उसके नाम से ही स्टॉक के प्राइस बहुत ऊपर चले गए, मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, उनके नाम भी बताऊंगा। ग्रीन हाइड्रोजन जिस से फायदा ये है कि ये एक साफ सुथरा फ्यूल है, यानी कि इससे ना तो कार्बन निकलता है, पानी जो है H2O, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस के तरीके से इसको अलग कर देते हैं, हाइड्रोजन निकाला जाता है, है ना। और ये जो प्रोसेस होता है करने के लिए, उसके लिए भी इन लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, यानी कि सोलार एंड विंड एनर्जी जो है
उसको यूज करके ये इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस किया जाता है, और उसके बाद जो ग्रीन हाइड्रोजन आपको मिलता है ये हाईली इन्फ्लेबल है, इजी टू ट्रांसपोर्ट है, तो बहुत अच्छा फ्यूल है ये, और इसको बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है, और सब लोग बहुत सारी कंट्रियों ने इस पर रिसर्च किया हुआ है और सब बहुत खुश हैं। नाउ अगर मैं किसी स्टॉक में निवेश कर रहा हूँ तो क्या मेरे निवेश करने से वो स्टॉक ऊपर चला जाएगा? नहीं, किसी बड़े पैसे का वहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है, कोई बड़ा पैसा FII DII कोई भी वहाँ पे आए। क्या हो कि अगर वो जो FII DII या जो बड़ा पैसा है वो बार बार आए, आप समझ रहे हो, तो कितना मजा आ जाए। अब वो पता है कौन है? इंडियन गवर्नमेंट ने अपने बजट में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए मैं फिगर कंफर्म नहीं हूं बट शायद हो सकता है 19,000 करोड़ रुपीस दिए हैं, ठीक है। मैं अगेन इस फिगर पे कंफर्म नहीं हूं, आप, और देखो आजकल तो सब इंफॉर्मेशन गूगल पे है, और मुझे पता भी है कि मेरा वीडियो देखने के बाद आप कौन सा डायरेक्टली ऐसा जाओगे और सीधा स्टॉक में जाके इन्वेस्ट कर दोगे, आप भी अपनी रिसर्च करोगे, आप भी जाके गूगल में चेक करोगे, और करना भी चाहिए, है ना, करना भी चाहिए आपको, जाके गूगल में अपना रिसर्च करें कि भाई क्या होता है ग्रीन हाइड्रोजन, सच्ची में इसमें कुछ है भी या हवाबाजी है, अपना रिसर्च करें, ठीक है। गवर्नमेंट कितना पैसा डाल रही है और गवर्नमेंट इसको बढ़ावा देने के लिए हर साल पैसा देगी इसके अंदर, तो मतलब एक तो वो सेक्टर ऑटोमेटिक चल रहा है माफ़ कीजिए, और सरकार भी उसमें निवेश करती रहेगी, तो ये होता है सोने पे सुहागा इन्वेस्टमेंट। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जितने भी स्टॉक्स यहाँ पे हैं, ये मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जितने भी स्टॉक्स यहाँ पे हैं ये सारे लार्ज कैप हैं, समझे। अब उससे क्या फ़ायदा हुआ? उससे फ़ायदा ये हुआ कि आपके डूबने के चांसेस बहुत कम हो गए, पैसे डूबने के चांसेस। देखो ये ग्रीन एनर्जी जो है आपको लेके होल्ड करना पड़ेगा, स्टॉक खरीद के आपको 3-4 साल होल्ड करना पड़ेगा, अगर आप 3-4 साल होल्ड करोगे तो आपके प्राइस डबल ट्रिपल हो सकते हैं, समझ लो डबल ट्रिपल हो सकते हैं 3-4 साल अगर आप होल्ड करेंगे तो। सिर्फ ऐसे ही आप सोचोगे आज लिया 2 दिन में प्राइस बढ़ जाए, अरे यार आप एक पेड़ लगाओगे तो पेड़ को बड़ा होने में टाइम लगता है यार, आप बस पेड़ के बीज मिट्टी में डालते ही आप सोचो यार क्यों नहीं हो रहा, मुझे जल्दी दो, नहीं होता है, टाइम दीजिए उसको थोड़ा सा, है ना, उसको टाइम देंगे वो आपको आने वाले टाइम में फल देगा, छाया भी देगा, है ना, और जिस दिन मरेगा उस दिन आपको लकड़ी भी देगा, तो सब कुछ देगा आपको। तो अपना स्टडी कीजिए ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर, और सारे लार्ज कैप हैं, मेनली सारे लार्ज कैप हैं, जिसमें से मैं आपको कुछ स्टॉक्स के नाम बता रहा हूँ जो मेरे फेवरेट हैं, जिसमें मैंने ऑलरेडी निवेश कर दिया है, अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसमें मैंने ऑलरेडी निवेश कर दिया है। एक है रिलायंस, मोटा भाई की तो बात ही अलग है यार, है ना, मोटा भाई की बात अलग है। तो मोटा भाई ने ऑलरेडी गुजरात के अंदर उसका प्लांट लगाने की बात कर दी है और 2025 में वो ऑपरेशनल भी हो जाएगा, तो मोटा भाई उस पर तैयार हो चुके हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भैया आने वाले टाइम में यही है और कुछ है नहीं। तो अब आप मोटा भाई के दिमाग को अगर आप अंडरस्टिमेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। तो यही वजह है, अगर आप माफ़ करें थोड़ा खांसी वासी है, दिल्ली गया था, दिल्ली से आया तो थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज होने की वजह से थोड़ा तबीयत ऊपर नीचे हो जाती है। नाउ मोटा भाई जो कर रहे हैं गुजरात में, तो उनकी तो मतलब सोच अलग है यार, वो बहुत अलग सोचते हैं ना, तो उस पर तो मतलब डाउट कभी करना ही नहीं, सोच के भी नहीं करना, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरे स्टॉक पर चलते हैं। ये स्टॉक जो है ये स्टेट ओन स्टॉक है, स्टेट रन स्टॉक है, इसका नाम है BPCL। चार्ट में उसके सितारे बदल गए हैं, अभी नहीं बदले, पिछले 1 साल में बदल गए थे, ठीक है, लेकिन ट्रेंड कभी भी 6 महीने 1 साल का नहीं होता, लंबा होता है। तो BPCL, ठीक है,
तीसरा ऑयल, ओ आई एल है ना, ऑयल, इसमें तो मैंने बहुत पहले से लिया हुआ था, मेरा स्टॉक डबल भी हो गया, लेकिन अभी भी अगर कोई आदमी इसको लेके रखना चाहता है तो ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है। किसी गिरावट में, मान लो कभी गिरावट आई और आपने वहाँ पे इसको री एड कर लिया तो बहुत अच्छे, ठीक है। ऑयल, एनटीपीसी अच्छा स्टॉक है, इसने भी बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं रीसेंट टाइम में। और ये एनटीपीसी हमने डिस्कस भी किया था जब मैंने पावर सेक्टर की बात की थी ना, उस टाइम पे भी हमने बात की थी इसके बारे में। अदानी ग्रीन, गौतम भाई को कैसे छोड़ दोगे यार, गौतम अदानी साहब को। अदानी ग्रीन, अदानी ग्रीन जो है इस पे आपको नज़र रखनी है भैया। इन्होंने भी कर दिया है कि भाई हम भी इस फील्ड में उतर रहे हैं, इस सेक्टर में उतर रहे हैं। तो इन स्टॉक्स पे बाकी पूरी लिस्ट है, ज़्यादा नहीं, 8-10 स्टॉक्स होंगे जो मेजर हैं, क्योंकि सरकार बड़ी कंपनियों को ही पैसा देगी ना, ऐसे छोटे मोटे को नहीं करेगी इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए, तो बड़ी कंपनियों में ही लगाएगी अपना जो देगी। तो उन्होंने कुछ अच्छे स्टॉक्स के बारे में बात है, तो उसमें ही आप अपना दिमाग लगाएं। गूगल में जाएंगे तो आपको और भी लिस्ट मिल जाएगी, 10 स्टॉक के आपको लिस्ट मिल जाएंगे कैसे भी, तो आप जाके उनको देखें, अपना रिसर्च करें और जो भी अच्छा लगे आप उसमें अपना निवेश कर सकते हैं। अभी सवाल ये आता है सर, अभी करें कि कुछ समय के बाद करें? मेरा मानना ये है कि आप थोड़ा सा अभी कर लें, ठीक है। जिस प्राइस में भी आपको मिल रहा है, मार्केट में थोड़ा करेक्शन आया था, जिस प्राइस में भी आपको अभी मिल रहा है, थोड़ा सा आप अभी कर लें और बाकी आप वेट करें एक अच्छे करेक्शन आने का। मेरे को लगता है कि इलेक्शन के बाद एक करेक्शन आपको अच्छा मिलेगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इस साल के एंड में, ध्यान से सुनना, कान खोल लो अच्छे से, ये साल खत्म होते होते एक जोर का झटका आपको लगने वाला है, मस्त लगेगा, अच्छा, जिसको बोलते हैं ना चीख निकालने वाला एक झटका आपको इस साल मिलेगा। अब वो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इलेक्शन के बाद मिलेगा, हो सकता है इलेक्शन के कुछ दिनों, कुछ महीने बाद मिले, लेकिन इस साल में आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा निवेश अभी कर लें अगर आप लंबे समय के लिए सोच रहे हैं तो, और जब करेक्शन आए उस समय ऐड जरूर कीजिएगा, वो आपका बेस्ट टाइम रहेगा ऐड करने का इन स्टॉक्स में। बाकी आपके जो भी खुद के निवेश हैं वो आप खुद उसको देख लें क्या है कैसा है, इन स्टॉक्स में आप ज़रूर उसको ऐड करें और मुझे यकीन है कि आपको वहाँ पे काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, इन स्टॉक्स को क्योंकि ये लार्ज कैप हैं, इसमें डूबने की संभावना नहीं, तो आप इनको अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, ठीक है। अपने बच्चों के लिए रख लें भाई, 15-20 साल के बाद अपने बच्चों को दे दें, भाई ये लो तुम्हारे लिए पापा का गिफ्ट है ना, तो वो भी खुश होंगे यार कि भैया मेरे पिताजी ने, मेरी माताजी ने कुछ दिया मुझे, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, कुछ सवाल हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो हमेशा की तरह आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको उसका जवाब देने की। फिर आप लोगों से बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।